हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज आप सब लोग जानते हैं पूरी की पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी, आप सबने शब्द सुना हुआ है, नैनो शब्द सुना ही नहीं सुना है। नैनो क्या होता है? नैनो कार तो सुना होगा, सामान्य कार की अपेक्षा जिनका 10 गुना वजन कम है उसको क्या कहते हैं? नैनो कार। ऐसे ही माइनस घाते 10, मानी 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। कितना? 1 अरबवा हिस्सा, मानी वो इतना सूक्ष्म होता है, हमारी 5 में से एक भी इंद्रिया ग्रहण नहीं कर सकती, इतना सूक्ष्म होता है। जो पदार्थ, जो द्रव्य जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, ऊर्जावान होता है। अभी हम देखिए, ये बल्ब हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, हम पहले भी बल्ब का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या हुआ करता था? बिजली ज्यादा लेता था और प्रकाश कम देता था। अब क्या हो गया? ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर चला गया। बिजली कम लेता है, प्रकाश ज्यादा देता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। हम मोबाइल के अंदर जो छोटी सी चिप का प्रयोग करते हैं, आपको पता है पहली बार जब ये चिप बनाई गई थी, कईयों मीटर का बड़ा सा होल के अंदर एक चिप बनाई गई थी, और कंप्यूटर में जो स्क्रीन के ऊपर मौजूद डाटा होता है उतने को खाली सेव करके वो रख सकता है, बाकी कुछ नहीं। और आज वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर चला गया, एक नाखून के बराबर छोटी सी चिप्स होती है और उसके अंदर कितना बड़ा डाटा आ जाता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। हम सामान्य रूप से पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधन का प्रयोग करते हैं। हम चंद्र के ऊपर जाते हैं, हम उपग्रहों को छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं, तो उस समय जिन यानों का हम प्रयोग करते हैं, रॉकेट आदि, उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। इतना ताकतवर वो ईंधन होता है कि थोड़ी सी मात्रा में यदि हम जो वाहन प्रयोग कर रहे हैं उसमें प्रयोग कर ले, तो जब तक वाहन चले तब तक हमें दूसरी बार ईंधन ना डालना पड़े, इतना ताकतवर होता है। यहाँ से चंद्र तक ले जाता है हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, और वहां से वापस भी ले आता है, फिर भी बच जाता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया। आयुर्वेद के अंदर भी हम देखें, अलग अलग आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, अलग अलग प्रकार की कई मेडिसिन होती हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग दवाइयां लेने पर भी ठीक नहीं होती, तो आयुर्वेद के वैद्य क्या देते हैं? रस रसायन विद्या, भस्म। वो क्या होती है? जिस तत्व की हमें आवश्यकता होती है, वो जिस द्रव्य के अंदर, उसको लिया जाता है और जला देते हैं, भस्म बना देते हैं, राख बना देते हैं, और उसको भी नहीं छोड़ते। राख फूंक मारो तब भी उड़ जाए, उतनी सूक्ष्म हो गई, लेकिन उसको छोड़ेंगे, उसके बाद भी उसको खरल करते हैं, पत्थरों के बीच में पीसते हैं, और इतना पीसते हैं, इतना खरल करते हैं, उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं, और तोड़ते, इतना तोड़ तोड़ करके इतना सूक्ष्म नैनो बना दिया जाता है। एक चुटकी भर हमारी चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा ऐसे करे तो खून के अंदर मिल जाए, इतना नैनो कर दिया जाता है। और कितनी मात्रा में देते हैं? जब कोई भी दवाइयां काम नहीं करती, स्थिति बिगड़ चुकी है, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम की मात्रा में भस्म देते हैं, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए कहते हैं। जो मुठिया भर के दवाइयां खाने पर जो रोग ठीक नहीं होता है, नाखून के बराबर वो दवाइयां चाटने पर चुटकी के साथ रोग ठीक होते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। ये सारे नैनो टेक्नोलॉजी के मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? नैनो में ताकत होती है। जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर होता है। और धरती पर का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य अग्नि होता है।
तीन रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में चूना मिट्टी का पत्थर है और उस पत्थर के अंदर, ठोस पत्थर के अंदर कोई ठोस द्रव्य डालना चाहे क्या हम डाल सकते हैं? उसके अंदर है जगह? नहीं डाल सकते। उसके अंदर द्रव पदार्थ कितना भी पानी डालो क्या उस पत्थर के अंदर जाएगा पानी? नहीं डाल सकते। क्यों? उसके अंदर जगह ही नहीं। उसके अंदर गैस फॉर्म में वायु को डालना चाहे डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। उस ठोस पत्थर के अंदर किसी भी चीज की प्रवेश पाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए, वो अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर प्रवेश पा जाती, इतनी सूक्ष्म होती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ, जो भी द्रव्य अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा माने कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। हमारे पास पहले जड़ी बूटियां हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं। गाय का घी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं। समिधाएं हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन एक बार अग्नि के अंदर जब हमने इन चीजों को आहूत कर दिया तो अब हम ना उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना व्यवहार कर सकते हैं। वो अग्नि रूप हो गया। अग्नि रूप मानी इतना सूक्ष्म हो चुका है कि हमारी पांच में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। जब हम मोबाइल, इलेक्ट्रिक जगत से लेकर के अलग अलग जितने भी हमने नैनो टेक्नोलॉजी के उदाहरण दिए, उन सारे चीजों को नैनो करने के बाद उनके साथ हम छू सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार यज्ञाग्नि के अंदर जो पदार्थ आउट हो गया वो इतना सूक्ष्म और नैना हो गया कि हमारी पांच में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य के रूप में वो पदार्थ आ गया। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? ताकतवर, शक्तिशाली होता है। इसलिए यज्ञ एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी। क्या है? जो लाभ विशेष हमें चाहिए उस प्रकार के द्रव्यों को अग्नि के अंदर आहूत करके उसको नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करके हम सैकड़ों सैकड़ों लाभ उठाने की ये एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है यज्ञ। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा एक विशेष लाभ की जब हम यज्ञ प्रतिदिन 5 से 7 मिनट मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत करते हैं तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। ये धरती पर का सबसे बड़ा काम है। कोई आज हमारे पास मेडिसिन दवाई नहीं है, अपने न्यूरोकेमिकल्स को हम बैलेंस ला पाए। जो प्रतिदिन यज्ञ करता है उसका न्यूरोकेमिकल्स वैसे ही बैलेंस में हो जाते हैं। इतनी बड़ी चीज। जब हम मंत्र का पाठ कर रहे होते, पूरी एक श्रद्धा भाव, एक श्रद्धा के अतिरेक के साथ बैठ करके मंत्र चारण पूर्वक जब हम आहुतियां दे रहे होते और वो जो जड़ी बूटियों का, गाय के घी का विखंडन हो रहा होता, वो टूट रहा होता और उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो नैनो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स और अलग अलग प्रकार की एनर्जी ऊर्जा जो वायुमंडल के अंदर आ रही है और उसमें बैठ करके जब हम यज्ञ कर रहे होते उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत 8 चक्रों में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होने लगता है। न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस हो जाते हैं और दुनिया की किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी तब होती है जो हमारा ये तंत्र कमजोर हो, जो यज्ञ करता है उसका ये तंत्र पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं से पोषण से लेकर के न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस से लेकर के सारा अस्तित्व, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, चारों ओर का आभा मंडल, एनर्जी, ऊर्जा का क्षेत्र, मन की आत्मिक शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। उसके शरीर के अंदर कोई रोग ठहर ही नहीं सकता और कितना भी बड़ा रोग है जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। और उसके हमने जो प्रत्यक्ष उदाहरण देखे, जो मैंने आपको कई सारे अभी क्रम से उदाहरण बताए, और ये सारे उदाहरण मैंने वो उदाहरण बताए जिसको आज हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट दवाइयां हैं, स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ प्रयोग करने के बाद लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी जीवन हाथ में नहीं होते हैं।
उन लोगों को जब यज्ञ चिकित्सा दी और उन्होंने नवजीवन पाई, ये उदाहरण मैंने आपको बताया। और आप अपनी आंखों से उनके उदाहरण को देख सकते हैं। स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, जो मैंने आपको 5-7 उदाहरण बताए। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने जो यज्ञ करके नव जीवन प्राप्त किए हैं, उन सब की वीडियो उन्होंने जो खुद ने अपने अनुभव शेयर किए उनकी वीडियो बना करके वहां दी। आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ इतनी बड़ी विद्या, एक अद्भुत विद्या चिकित्सा के। तो ये जिस यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं वो सामान्य विद्या नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। तो कितने लाभ हो गए, कितने लाभ हुए? ये जो सबसे लास्ट वाला हमने चर्चा की तो वो चिकित्सा लाभ के विषय में चर्चा की। कौन से लाभ के विषय में? चिकित्सा लाभ। उससे पहले हमने क्या बताया था? वायु प्रदूषण से बचाओ, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाओ, रेडिएशन से बचाओ, अलग अलग प्रकार के जो नेगेटिव और धन आवेश जंगल जैसा जो वायुमंडल होता है उसकी प्राप्ति से लेकर के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो आहार होता है उसकी शुद्धि और सशक्तिकरण के साथ साथ ये चिकित्सा लाभ पर्यंत कई सारे लाभ होते हैं। इन लाभों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए या इस जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा योगदान है, नहीं है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से ही हमारा तन बना है। ये 5 तत्वों से ये पूरा पर्यावरण बना है। और इन 5 तत्वों का पोषण, यह 5 तत्वों का संवर्धन, ये 5 तत्वों को यथास्थिति रखने का कार्य भी इसी यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए इसको देव यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाना देव, सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं, नहीं देते हैं? जल देवता में पानी देते हैं, वायु देवता में वायु देते हैं। ऐसे सारे 5 शक्तियां हमें दे रहे हैं जिससे हमारा जीवन चल रहा है। अब उन 5 देवताओं से दाना देव वो दे रहे हैं, इसलिए वो देव हैं, हम ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं तो हम क्या हो गए? जैसे माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? ऋणी होते हैं ना, माता पिता के ऋणी होते हैं, नहीं होते? माता पिता से सारा कुछ लेते, माता पिता के ऋणी हो गए। ऐसे ही इन देवी शक्तियों से हम सब कुछ ले रहे हैं, तो इन देवताओं के हम क्या हो गए? ऋणी हो गए। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए मनुष्य जीवन में हमें यज्ञ करने के लिए कहा, देव यज्ञ करने के लिए। क्या करने के लिए? देव यज्ञ क्यों किया जाता है? देव ऋण से उऋण होने के लिए, जिस अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों का हम निरंतर प्रयोग ले रहे हैं, उनके प्रति हम कुछ करें, उसका शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, इसके लिए ये यज्ञ किया जाता है। और देखिए, जब यज्ञ की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का विषय है, ये तो ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है, करते हैं ना ऐसा? ये पंडित ब्राह्मण पुजारियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे दुनिया की किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी दुनिया के देश के अंदर रहने वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो हमारा ये उत्तरदायित्व कर्तव्य है कि नहीं है प्रकृति को स्वस्थ रखना, संतुलित रखना, उसको पोषित करना? और उतना ही नहीं, जो इससे उपद्रव होते हैं उनसे भी हम सब समान रूप से प्रभावित होते हैं। ये जो बैक्टीरिया, वायरस जनित बीमारियां होती हैं, क्या ब्राह्मणों को, हिंदुओं को ही लगती है? सबको लगती है। वायु प्रदूषण हमको ब्राह्मण पंडितों को ही लगता है या सबको लगता है? या और भी बीमारियों से लेकर के हर चीज सबके साथ, सबके जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज, और हम इतना छोटा सा यज्ञ कर लें तो ये सब चीजों से हमारा, चाहे कोई भी जाति मात पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी देश में, किसी भी दुनिया में, देश के अंदर रहने वाला हो,
हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और ये हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है कि इस प्रकृति माँ के प्रति हम कुछ अपने ऋणों को अदा करें और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र हमें करना, कर्तव्य कर्म के रूप में हमें करना। और ये करने पर जिसे हमने साइंटिफिकली देखी अलग अलग लाभ, वो सारे लाभ सहज रूप से हमें प्राप्त होते हैं, आरोग्य लाभ से सब चीजें, लेकिन देव ऋण से उऋण होना ये हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। इसके लिए देव यज्ञ किया जाता है प्रतिदिन सुबह और सायंकाल संध्या के समय में, थोड़ी सी लकड़ी जला करके अग्नि प्रज्वलित करके आचमन अंग स्पर्श पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके और उस अग्नि के अंदर विशेष अवीर द्रव्यों की मंत्र चारण पूर्वक आहुतियां देकर के इस देव ऋण से हम उऋण होते हैं। और उसके साथ साथ देखिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए हमें पुण्यों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमारा जीवन किस चीज से चलता है, किस चीज से चलता है? हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया उस कर्मों के आधार पर जो पुण्य और पाप हमने प्राप्त किया है कर्माशय, उसी के आधार पर आपने योग दर्शन पढ़ा होगा। तो योग दर्शन में क्या बताते हैं महर्षि पतंजलि जी? जाति, आयु और भोग, ये तीनों ही हमें पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म के आधार पर मिलते हैं। जाति मानी मनुष्य, कीट पतंग पशु पक्षी कौन सी योनि में जाना, हमें मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के साथ साथ ये जाति मिल गई। अब आयु, मनुष्य जीवन में आने के बाद एक व्यक्ति को देखिए जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, कोई युवावस्था बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मान लो उसमें भी हमें चीरकाल आयु मिल गई, जाति के बाद आयु भी मिल गई। अब उसके बाद भोग, उस मनुष्य जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएं, ज्ञानी माता पिता है, अज्ञानी माता पिता है, ज्ञानी गुरुजन है, अज्ञानी गुरुजन है, धन संपत्ति, एक व्यक्ति को देखें तो जन्म होते ही पीने के लिए दूध के लिए तरसता होता है और एक व्यक्ति को देखें तो करोड़ों अरबों का संपत्ति का मालिक होता है, पैदा होते ही एक व्यक्ति को हम देखें रात दिन मेहनत कर रहा होता है, सर्दी गर्मी धूप सब चीजों को सहन करते हुए अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, और एक व्यक्ति को हम देखें तो घंटे दो घंटे कहीं इधर उधर काम करता है और अरबों खरबों रुपए का मालिक बन जाता है। एक व्यक्ति को हम देखें तो बीमार होने पर उनको उपचार के लिए कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको पानी बीमार होने पर कोई भर के देने वाला नहीं होता है, और एक व्यक्ति को हम देखें तो छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। ये सारा का सारा किसके आधार पे हमें मिलता है? पुण्यों के आधार पे। किसके आधार पे? हमारे शुभ जीवन का मूल केंद्र बिंदु होता है पुण्य, और इस मनुष्य जीवन में आकर के अथाह और अनंत पुण्यों को प्राप्त करने का, पुण्यों की कृषि, पुण्यों की फैक्ट्री को है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। बहुत बड़ी अपने जीवन को हम पुण्यों से भर सकते हैं, शुभ से भर सकते हैं, इतना बड़ा पुण्यों को भी देने वाला, देव ऋण से उऋण करने वाला। इसके साथ साथ शास्त्रों में जगह जगह पर सान स्थान पर इष्ट काम दो, सर्व काम दो, सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जगह जगह पर कहा कि जो यजमान यज्ञ करने के बाद यज्ञाग्नि को प्रार्थना करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज। और इस यज्ञ को हमारे प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रों में प्रतिदिन करने के लिए क्या, यद अग्निहोत्रम जरा मरिय सत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युना वा, ये अग्निहोत्र जरा मरिय सत्र, या तो हमारी बूढ़ा अवस्था आ जाए, हम खुद का पानी ना पी सके तब छोड़ने योग्य, या फिर हमारी मृत्यु हो जाए तब छोड़ने योग्य है, उसके पहले नहीं छोड़ना चाहिए। और जो इस विधि पूर्वक यज्ञ को करता है उसको कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आप्ति। अभी तक जितने भी हमने लाभ देखे वो सारे भौतिक और इस जीवन के लाभ देखे, और अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आप्ति, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कौन सा याग किया था? अश्वमेघ याग। कब कर पाए? जिनके कुल खानदान पूरे के पूरे पवित्र हो, यशस्वी हो, अनंत योग्यताएं हो, अथाह धन के भंडार हो, चक्रवर्ती सम्राट हो और युवा हो, तब जाकर के उस यज्ञ को करने का वो अधिकारी होता है, और वो यज्ञ को करने पर जो लाभ प्राप्त होता है वो अग्निहोत्र जो प्रतिदिन करता है उसको वो लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इससे बड़ा जीवन और हमारे जीवन का जो उद्देश्य होता है
हम अपने जीवन को क्यों लेते हैं? अपने जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति पाएं, त्रिविध दुखों से निवृत्ति हो और जीवन में समस्त प्रकार के क्लेशों से, पापों से हम तर जाएं, मुक्त हो जाएं। उसके लिए हम विशेष रूप से इस यज्ञ का अनुष्ठान, जीवन का अनुष्ठान करते हैं। इस यज्ञ को, इस हवन को करने पर सर्वस्मात् पापनो निर्मुच्यते सय एवं विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है, हवन करता है, उसके जीवन में आने वाले सारे क्लेशों को नष्ट कर देता है, सारे पापों से उसको तार देता है। यज्ञ सिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। जो केवल अपने लिए भोजन पका करके खाता है, बिना यजन के भोजन करता है, भुञ्जते तु त्वघं पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है। और यज्ञ सिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय, और जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न का ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय में जाकर के फिर से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ सिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय। ऐसे ही यज्ञ सिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ नहीं करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ो। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजन कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्यों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञ अनुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्य तर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। हृदयष्टि हवन सामग्री, अर्जुन छाल, दालचीनी, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक मूल, नागरमोथा, गुगुल आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर लिमोनिन, ट्रिप्टोफेन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि जो हृदय संबंधित रोग हैं, उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।